देखिए, इलेक्शन अभी आया है, लेकिन मैं पिछले 22 सालों से यहाँ की जनता की सेवा कर रहा हूँ। जो काम मैंने किए वो मैं अभी नहीं बताऊँगा। मेरा एक विजन है, इस देसर विधानसभा को मैं देश की सर्वोत्तम विधानसभा बनते हुए देखना चाहता हूँ। इस देसर विधानसभा में मैं इस देसर विधानसभा को पोल्यूशन मुक्त और पर्यावरण फ्री विधानसभा बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस विधानसभा में गोर गरीब जनता के लिए मैं एक अच्छा अद्यावत अस्पताल बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बढ़िया कॉलेज होना चाहिए। हमारी दर्शक देसर के युवा आज कॉलेज ना होने की वजह से दूर पारला अंधेरी दादर तक जाते हैं। अगर यहाँ पर एक बढ़िया कॉलेज बने तो मेरे युवाओं को यहाँ पर ही एजुकेशन मिलेगा। और आज फैक्ट्री की तरह लोग विद्यार्थी कॉलेज से बाहर निकल रहे, लेकिन उनके लिए जॉब नहीं है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की असफल हुई है रोजगार देने में। वो कहते थे कि 2 करोड़ जॉब हम हर साल को निर्माण करेंगे, लेकिन 2 लाख भी जॉब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना नहीं सकी। मेरी ये इच्छा है कि इस देसर विधानसभा में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार के लिए कुछ ना कुछ मैं बनाऊँ, रोजगार की संधि उपलब्ध करा के दूँ, ऐसा मेरा एक प्रयास रहेगा। उसी प्रकार मानना है कि मेरे देसर में आज कई ऐसी जगह है जहां पर असुरक्षितता महसूस की जाती है। मैं मेरे देसर की जनता के लिए सुरक्षितता के अलग अलग उपाय यहां पर करना चाहूंगा। ज्येष्ठ नागरिकों के लिए मैं फ्री में मुफ्त में उनके हेल्थ के बारे में कुछ कोशिशें करूंगा, ताकि उन्हें आज यहां पर देसर में ऐसे बहुत से इलाके जिनके बच्चे आउट ऑफ इंडिया नौकरी पे गए हुए और ज्येष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन अकेले घर में रहते, उनको सुरक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश करूँगा। और कई अच्छे काम मैंने मेरे दिमाग में रखे, जीतने के बाद मैं उन बातों के ऊपर ज़रूर कोशिश करूँगा।